जिला मंडी में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, जिसको लेकर उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने समस्त मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में 75.37% मतदान हुआ। इससे पता चलता है कि मंडी के लोग भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने आए। उन्होंने कहा कि नतीजे के लिए अब सभी को 18 दिसंबर का इंतजार करना होगा। 2012 के मुकाबले हर विधानसभा क्षेत्र में इस बार अधिक मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर हल्के में 78.36, नाचन में 80.82, जोगिंदरनगर में 81.39, धर्मपुर में 70.1, सदर में 78.74, वसरास में 83.40 फीसदी महिलाओं ने मतदान का इस्तेमाल किया। जिले में सबसे अधिक 83.19 फीसदी मतदान सरास हल्के में हुआ। 80.12 फीसदी मतदान के साथ बल दूसरे स्थान पर रहा। धर्मपुर हल्के में सबसे कम 64.21% मतदान हुआ। सरकाघाट में 67.09 और करसोक में 75.48 मतदान हुआ। वहीं उपायुक्त ने बताया कि सभी वीवीपैट व मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम को चारों ओर से सील किया गया है। मुझे आपके माध्यम से ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मंडी जिला में हमने पूरी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है पिछले कल बहुत सक्सेसफुल मतदान करवाने में कामयाबी प्राप्त की है। हमारी परसेंटेज ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो है 75.31% रही है, जो बहुत अच्छी परसेंटेज है। इसके लिए मैं जिला के सभी मतदाताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जल्दी ही आपके जो ये वोट हैं ये फल लाने वाले हैं और 18 दिसंबर को जो है आप अपनी मनपसंद की सरकार चुनने में इसके माध्यम से कामयाब होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि ओवरऑल परसेंटेज इस बार जो है जिला में बहुत अच्छी रही है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप मुझसे पूछें तो करसोग में 75.48%, सुंदरनगर 76.29%, नाचन 78.37%, सराज में 83.19% हुई है, बल में 80.12%, द्रंग में 78.75%, मंडी प्रॉपर में 76.37%, धर्मपुर में थोड़ी कम रही है 64.21% और सुंदरनगर 76.29% मैं बता चुका हूं, जोगिंदरनगर में 72.40%। ओवरऑल परसेंटेज जो है 75.31% रही है। रात को सभी पार्टीज जो हैं वो वापस आई और सभी ने अपने अपनी जो ईवीएम्स हैं वीवीपैट्स हैं अपने स्ट्रांग रूम में जमा की हैं। इस बार हमने पूरे 10 स्ट्रांग रूम जो है वो विभिन्न लोकेशंस पे बनाए हैं ताकि पोलिंग पार्टीज को भी सहूलियत हो और जब काउंटिंग हो तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है उसमें सहूलियत हो। रात को करीबन 4:45 बजे के करीब अर्ली मॉर्निंग में जो है एक स्ट्रांग रूम जो है वो बंद हो पाया क्योंकि काफी दूर से पोलिंग पार्टीज ने आना था, लेकिन पूरे स्ट्रांग रूम जो है रात को हमने सील कर दिए हैं। सभी जो भारत सरकार की तरफ से ईसीआई की तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वर आए थे वो उनकी प्रेजेंस में। तो आज फॉर्म 17A की स्क्रूटनी चल रही है और जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और शाम को जब स्क्रूटनी खत्म हो जाएगी सभी जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर साहिबान आए हुए हैं दिल्ली से वो इसको कर रहे हैं और शाम को जो है ये दोबारा बंद हो जाएंगे स्ट्रांग रूम। और इसमें 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो तैनात होता है, जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है और स्टेट पुलिस फोर्स की 2 tiers होती हैं। 3 tier में जो है ये सुरक्षित रखे जाएंगे। रोज जो है इनको रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे एडीएम साहब, एडीसी साहब और मैं स्वयं जो है इनके इंस्पेक्शन करते रहेंगे बेस पे ताकि इसमें किसी किस्म की छेड़खानी ना हो। और एक बार पुनः मैं सभी मंडी जिला के मतदाताओं का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकले और बहुत भारी संख्या में आपने मतदान किया है। आपका बहुत बहुत